दोस्तों, एक बार फिर मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके आपके लिए। मैं जानता हूँ लास्ट वीडियो के बाद मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है इस नए वीडियो को डालने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट होपफुली आप लोग मेरे शॉर्ट्स को भी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स भी बहुत सारे अपलोड करता हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। सो होपफुली यू आर फॉलोइंग दैट। सो अब जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में बात की थी आपसे कि आई एम गोइंग टू लद्दाख दिस ईयर, और फाइनली मैं अपनी जर्नी, अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर चुका हूँ। अपनी प्रिपरेशन मेरी फुल स्विंग में, ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुकी है मेरी, थोड़ी बहुत बची है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, आई थिंक वो मल्टीपल वीडियोज़ होंगी, जिसमें मैं बताऊँगा कि मैं किस तरह की तैयारियाँ कर रहा हूँ, क्या क्या सामान खरीद रहा हूँ, किस तरह से पैकिंग कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा। बट फिलहाल आज एक अनबॉक्सिंग जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है ये अपनी जेरी कैंस। वैसे आपको पता ही है कि लद्दाख रीजन जो है वहाँ पे जेरी कैंस जो है वो इजीली मिलते हैं, बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी क्वालिटी का जेरी कैन लेके जाऊँ यहाँ से, ताकि मुझे वहाँ जाके फिर ऑफ रोडिंग के टाइम पे या कुछ प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, लीकेजेस ना हो, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक पेट्रोल नहीं मिलता। सो फॉर दैट रीज़न आई हैव ऑर्डर्ड अ जेरी कैन। इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट अगेन जहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे खर्चे हो रहे हैं ऑलरेडी, और वी आर टेकिंग अ क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी राइट फ्रॉम बैंगलोर टिल लद्दाख, सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, आई विल गो फॉर अ गुड क्वालिटी जेरी कैन। सो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं ऐसे रहा नहीं गया, मैंने ऑलरेडी आई ओपन दिस। सो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह की पैकिंग है इसकी, जिसमें कि बेसिकली फ्यूल मेट जो है उसका मैंने जेरी कैन ऑर्डर किया है। उसका लिंक वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके लिए, इन केस यू वांट टू ऑर्डर यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। सो या दैट्स इट। अब आते हैं इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने दो जेरी कैंस ऑर्डर किए हैं 5-5 लीटर्स के। मैंने एक बैग ख़रीदा हुआ है वायर टेरा का, बेसिकली वो बैग जो है, इन दैट बैग आई कैन ईजली यूज़ द साइड पॉकेट्स टू स्टोर माई जेरी कैंस। तो मुझे कोई सैडल स्टे लगाना नहीं पड़ेगा, ये जेरी कैन होल्डर सेपरेटली अपने एडवेंचर 391 नहीं लगाना पड़ेगा। अब आते हैं इधर। तो बेसिकली इसके अंदर में मुझे ये दो बॉक्सेस मिलते हैं, दोनों ही काफ़ी पता चल रहा है पैकिंग से कि मैंने इसको ऑलरेडी, इसका टेप हटा लिया, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, बट ऑलरेडी पता चल रहा है कि काफ़ी स्टर्डी है। 1.3 गैलन और 5 लीटर्स। सो ये ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बने, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बने, सो आई एम होपिंग की क्वालिटी विल बी रियली गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो सम डिटेल्स, फ्यूल मेट की ब्रांडिंग है, ऑटो शट ऑफ फ्यूल कैन 1.3 गैलन और 5 लीटर्स। वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में आई थिंक लीटर्स टू गैलन में भी आई थिंक दे मेजर इट, आई एम नॉट श्योर, बट दे आर मैंशन इन लाइक दिस। मॉडल इज मॉडल नंबर कलर नंबर 1 पीस, नेट वेट 0.8 kg, ग्रॉस वेट 1.2 kg, और साइज़ ये कुछ डायमेंशंस किए हुए हैं। सो या दैट्स प्रीटी मच इट, और दैट्स द सेम विद दिस आल्सो। तो या अभी इसको खोल के देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, और ये अंदर से अपना जेरी कैन बाहर आ रहा है, और ये प्लास्टिक में रैप्ड है। यहाँ पे लिखा है वार्निंग टू अवॉइड डेंजर ऑफ सफोकेशन, कीप दिस प्लास्टिक बैग अवे फ्रॉम योर बेबीज एंड चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो जेरी कैन है इसमें हम डीजल, पेट्रोल, किरोसिन ऑयल इस टाइप के फ्लेमेबल लिक्विड स्टोर करने के लिए बना है, सो ऑब्वियसली वो फ्यूम्स भी बना सकता है। सो डेफिनेटली पेरेंटल एडवाइजरी है ये कि यू हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम योर स्मॉल चिल्ड्रंस। फ्यूल मेट की ब्रांडिंग है, 1.3 गैलन, 5 लीटर, ऑटो शट ऑफ गैसोलीन, और यहाँ पे कुछ तरीका दिया हुआ है कि आप कैसे इसको ओपन करके इसका पाइप रिवर्सल करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि यू कैन पोर इट इन योर मशीन, इन योर बाइक। तो वो दिखाता है, सबसे पहले ये प्लास्टिक हटाता है। तो ये क्वालिटी वाइज भाई साहब बहुत ज़्यादा स्टडी है, गजब की क्वालिटी लग रही है, सीरियसली बहुत सॉलिड है, बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि इसमें से फ्यूल वगैरह लीक होना चाहिए, बहुत ही दमदार क्वालिटी लग रही है, नो डाउट।
टू स्ट्रोक डेंजर, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, पेट्रोलियम फ्यूल फ्लेमेबल। बिल्कुल, तो जब आप इसके अंदर कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड या फ्यूल स्टोर करते हैं तो इट इज़ डेंजरस, सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। और ये इसका हैंडल है, यहाँ से यू कैन कैरी इट, यू कैन हैंडल इट। अब इसको ओपन करके देखते हैं तो इसका डायमेंशन कुछ इस तरह का 5 लीटर आएगा। तो मेरा आइडिया था कि टोटल 10 लीटर मेरे को कैरी करना है, जिसमें 5-5 के 2 मैंने ऑर्डर किए हैं। ये आई थिंक क्लिप है, यू हैव टू प्रेस दिस एंड यू हैव टू टर्न दिस, या ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये जो है, ये पार्ट फिक्स्ड है, सो दिस वोंट मूव, ये बाहर आएगा। ये आई थिंक पाइप वगैरह, ये मेन सामान है इसका। ओके, सो ये आपको घुमा के इसका कैप निकाल लेना है और फिर इसमें डालना है। बिल्कुल, मैंने एक्चुअली इसका यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रखा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, बट इट्स मैनेजेबल, एक दो बार करके फिर आपको आदत पड़ जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पे लगाना है। और सपोज कि आपने फ्यूल भर लिया ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे लगाना है। ये पूरी तरह टाइट हो जाएगा, कम स्टडी कैप को संभाल के रखना है, खोना नहीं। उसके बाद आपको इस तरह उठाना है और फ्यूल आप आराम से पोर कर सकते हो अपनी बाइक में। सो बेसिकली यार, तो फिर इसके लिए आपको शायद फनल वगैरह भी कैरी नहीं करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी फनल कैरी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ दिखा दूँगा, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप इजी पोर है तो आप कंट्रोल कर सकते हो। वापस करने के लिए इसको प्रेस करो, वापस इसको घुमाओ, ये निकाल लो, ये रिवर्स करके डाल दो, इधर से कैप लगा दो। सर ये ऐसे होगा। हाँ, अभी इसको वापस अंदर डाल दें और इसको घुमा देना, कम्प्लीटली टाइट हो गया और ये आपका सॉर्टेड है। तो ये बहुत सही चीज़ है। तो यही है इसका जरी कैन का अनबॉक्सिंग, और ये मुझे कुछ पड़ा 3200 के आसपास का टोटल, दोनों मिला के 3198 या 3200 ऐसे ही कुछ पड़ा। फॉर राउंड फिगर्स 3200 बोल दे रहा हूँ। ये भी खोल लेते हैं, देखिए ये भी सेम ही चीज़ है। इसको मैं अभी ढक्कन इसका नहीं खोल रहा हूँ बिकॉज इट्स द सेम थिंग, बट या 5 लीटर का ये भी। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। और ये आप अगर चाहें, आपके ऊपर है, आप नॉर्मल जरी कैन आप चाहो तो आप खरीद सकते हो, आई थिंक 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है उसमें कि वो आप उसमें रिलायबिलिटी नहीं है, स्पेशली अगर आप लेह लद्दाख जैसे रीजन में जा रहे हो जहाँ पर भयंकर वाली ऑफ रोडिंग मिलती है कहीं कहीं पर। और मैं जो ट्रेल्स प्लान कर रहा हूँ उसमें डेफिनेटली आई विल गेट सम ऑफ रोडिंग, तो वहाँ पर अगर आपका कैन जो है वो डैमेज होता है, पेट्रोल लीक करने लगता है, तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी वहाँ पर कि आपको दूर दूर तक कोई पेट्रोल पम्प नहीं है, तो अगर फ्यूल लॉस होगा दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। काफ़ी महंगे रेट्स पे आपको वहाँ से लोकली फ्यूल ख़रीदना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाती है वैसे सिचुएशन, फ्यूल लीक करे दैट्स फ्लेमेबल, सो इट्स नेवर गुड। एक तीसरा ऑप्शन ये है, ये बिस्लेरी की 5 लीटर वाली बॉटल है, रॉकिंग बॉटल कहता है। मैं इसको फ़िलहाल तो पानी पीने के लिए यूज़ करता हूँ, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं सोच रहा था कि आई यूज़ दिस ओनली एज माई फ्यूल कैरियर। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट अगेन ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग आई डोंट नो हाउ मच रिलायबल इज दिस, बट या सस्ता और जुगाड़ू उपाय है ये। बट अगेन आई डोंट वॉन्ट टू कीप एनी थिंग ऑन जुगाड़ एंड लक, सो दैट्स वाई आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई लद्दाख राइड। और होपफुली और भी अच्छे वीडियोज बहुत जल्द आएंगे आपके लिए। अगर आप नए नए आ रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और कॉमेंट में बताना कि आप लोग में से कौन कौन लोग लद्दाख राइड प्लान कर रहे हो। मे बी हम लोग मिलेंगे रास्ते में, आई डोंट नो, बट या मैं सारी डिटेल्स, आइटनरी, रूट प्लान सब कुछ धीरे धीरे शेयर करूँगा आपके साथ कि किस तरह की मैं प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ, तो वो सारी डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहना, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, गॉड स्पीड अंडर स्कोर ट्रैवलर, दैट्स माई इंस्टाग्राम आई डी।
और या थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे. टिल देन वी मीट नेक्स्ट टाइम. दिस इज अमृत साइनिंग ऑफ. बाय बाय.